नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप लोगों का गेमिंग वाईजी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो इंतज़ार 13 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वो फाइनली 11 मई की शाम को आकर समाप्त हो गया। हम लोगों को WCC3 का बेटा वर्जन गूगल प्ले स्टोर पर खेलने के लिए मिल गया है। गेम का साइज है 523 MB। हालांकि गेम में अभी बहुत सारे फीचर लॉक पोजीशन में है क्योंकि बेटा वर्जन में वो खेलना अलाउड नहीं है। आने वाले समय में हम लोगों को वो भी फीचर अनलॉक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे WCC3 के बेटा वर्जन को और साथ में डिस्कस करेंगे उन फीचर्स के बारे में जो हम लोगों को WCC3 में मिले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे जाकर लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, किसी भी गेम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके गेम प्लेइंग मोड। तो सबसे पहले बात करते हैं WCC3 में मिलने वाले गेम प्लेइंग मोड्स की। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है लीग ऑफ चैंप्स, जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग मोड है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लोगों को हालांकि गेम से प्राप्त नहीं होती, बल्कि गूगल प्ले स्टोर पर जो फोटो दिखाया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। उसमें लिखा गया है कि गेम खेलो और रैंक पाओ। साथ ही दोस्तों, इस गेम प्लेइंग मोड में हम लोगों को 50 से ज़्यादा लीग्स खेलने के लिए मिल जाती हैं, जिनमें हम डेली खेलकर अपने रैंकिंग में सुधार कर सकते हैं। रैंकिंग के नाम आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों क्विक मैच। हालांकि क्विक मैच में सेम WCC2 जैसा फॉर्मेट ही हम लोगों को मिलता है। हम अपनी और ओपोनेंट टीम सेलेक्ट करके मैच खेल सकते हैं। मैच में जो ओवर सेलेक्ट कर सकते हैं वो है 2, 5, 10, 20 और 50। यानी कि जो चीज़ें हम लोगों को WCC2 में क्विक प्ले मैच में मिलती थी, वही चीज़ें हम लोगों को WCC3 के क्विक मैच में मिल रही हैं। यानी कि टोटली मिलाकर कहें तो सब कुछ WCC2 जैसा ही क्विक मैच में हम लोगों को मिलता है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों माई कैरियर। हालांकि बेटा वर्जन होने के कारण अभी ये फीचर हम लोगों को खेलने के लिए नहीं मिल रहा है। इसको खेलने के लिए हम लोगों को जून तक का वेट करना पड़ेगा। जब फुल वर्जन आएगा WCC3 का तो हम लोगों को कैरियर मोड भी खेलने के लिए मिल जाएगा। हालांकि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है इसके बारे में अभी कुछ भी डिटेल सामने नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोगों को मिलता है वुमेन क्रिकेट, जो कि अभी हम लोगों को लोग ही मिल रहा है क्योंकि बेटा वर्जन में ये हम लोगों को खेलने के लिए नहीं मिलेगा। और इसके अंदर कौन कौन से गेम प्लेइंग मोड मिल जाते हैं इसके ऊपर भी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। यानी कि जब तक फुल वर्जन गेम नहीं आता है तो वुमेन्स क्रिकेट में हम लोगों को क्या मिलने वाला है इसके ऊपर भी संशय बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम लोगों को मिलता है माई स्काउट का ऑप्शन। इसमें हम अपनी टीम की स्किल को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हम हमारे फेवरेट प्लेयर्स को सिलेक्ट करके इसमें उनकी जो बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग की स्किल्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। हालांकि ये पहली बार किसी मोबाइल क्रिकेट गेम में हम लोगों को मिला है, लेकिन PC गेम में हम लोगों को कई गेम्स में मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया फीचर हम लोगों को WCC3 में मिलता है, वो है ऑनलाइन रिवेल। ऑनलाइन रिवेल हालांकि हम लोगों को अब तक अलग गेम में मिलता था और उसका नाम था WCC रिवेल, लेकिन WCC3 में हम लोगों को ये इन ब्लूट ऐप में ही मिल रहा है। इसमें हम लोगों को 4 प्रकार के गेम प्लेइंग मोड मिल जाते हैं। पहला है ऑनलाइन रिवेल, दूसरा है लोकल रिवेल्स, तीसरा है बैटिंग रिवेल्स और चौथा है चैलेंज ए फ्रेंड। हालांकि हम लोगों को फिलहाल ऑनलाइन रिवेल ही अब तक अनलॉक मिला है, बाकी जो गेम प्लेइंग मोड हैं वो हम लोगों को फुल वर्जन गेम में मिलेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने जो गेमिंग मोड आता है वो है चैंपियनशिप, और चैंपियनशिप में हम लोगों को 4 प्रकार के टूर्नामेंट मिल जाते हैं। पहले नंबर पर आता है क्विक टूर्नामेंट। क्विक टूर्नामेंट हम लोगों को WCC2 में भी मिला हुआ था। क्विक टूर्नामेंट में हम अपनी टीम को सिलेक्ट करके WCC3 में जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स हम लोगों को मिल रही है उनके साथ मैच खेल सकते हैं, और ये मैच रैंकिंग के हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि जो कमज़ोर टीम होती है पहले उसके साथ होता है, फिर जो उससे थोड़ी सी कम कमज़ोर टीम होती है फिर उसके साथ होता है। यानी कि स्टार्टिंग एक कमज़ोर टीम से होती है और एंडिंग एक बहुत ही टक्कर वाली टीम के साथ होती है। दूसरे नंबर पर आता है वनडे वर्ल्ड कप। सेम वही फॉर्मेट हम लोगों को WCC2 वाला यहाँ पर मिल जाता है। इसमें जो इंटरनेशनल टीमें हैं वर्ल्ड की क्रिकेट खेलती हैं, जो वो टीमें हम लोगों को मिल जाती हैं, और जो वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट है वर्ल्ड कप के लिए वो फॉर्मेट हम लोगों को इसमें मिल जाता है। तीसरे नंबर पर आता है T20 वर्ल्ड कप। सेम वही फीचर जो WCC2 में था वही हम लोगों को इसमें भी मिला है। सेम फॉर्मेट, सेम सब कुछ है जो WCC2 में था। चौथे नंबर पर आता है
एशिया कप, एशिया का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट जो एशिया में होता है, जिसमें एशिया की सारी क्रिकेट टीम पार्टिसिपेशन करती हैं, वो टूर्नामेंट भी हम लोगों को WCC3 में खेलने के लिए मिल जाता है। अगले गेम प्लेइंग मोड की बात करें तो दोस्तों वो है ODI सीरीज और टेस्ट मैचेस। ODI सीरीज में हम लोगों को दो प्रकार के गेम प्लेइंग मोड मिल जाते हैं। पहला है ODI सीरीज, जिसमें हम दो देशों के बीच क्रिकेट मैच करवा सकते हैं। तीसरा है ट्राई सीरीज, जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, ये एक त्रिकोणीय श्रृंखला होगी जिसमें तीन टीमें हिस्सा लेगी और जो टीमें सबसे ज्यादा मैच या फिर जो फाइनल जीतेगी वो विनर घोषित होगी। बात करें टेस्ट मैच की तो इसमें हम लोगों को दो प्रकार के गेम प्लेइंग मोड मिल जाते हैं। पहला है टेस्ट क्रिकेट, इसमें हम अपनी फेवरेट टीम को सिलेक्ट करके अपोजिट टीम्स को सिलेक्ट करके मैच करवा सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे हम WCC2 में करते थे। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट मैच में हम लोगों को एशेज क्रिकेट टूर्नामेंट भी WCC3 में मिल जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होती है और हर साल ये होती है, तो ये टूर्नामेंट भी हम लोगों को WCC3 में खेलने के लिए मिल जाता है। अगर दोस्तों बात की जाए T20 लीग्स की जो पूरी दुनिया में खेली जाती हैं, तो WCC3 में हम लोगों को चार प्रकार की लीग्स मिल जाती हैं। पहला है NPL, जिसको हम IPL भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है पाकिस्तान सुपर लीग, यानी कि पाकिस्तान की T20 लीग। तीसरे नंबर पर आती है ग्रेट ओजी लीग, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट लीग। और चौथे नंबर पर आती है बांग्लादेश की T20 लीग। यानी कि चार प्रकार की T20 लीग हम लोगों को WCC3 में मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम लोगों को वर्ल्ड टूर भी मिल जाता है, हालांकि ये अभी लोक है और आने वाले दिनों में फुल वर्जन गेम में हम लोगों को ये मिल जाएगा। साथ में हॉट इवेंट्स का ऑप्शन भी हम लोगों को मिल जाता है, जिसमें हम अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के गेम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए स्टेडियम की तो WCC3 में हम लोगों को एक बहुत बड़े नंबर में स्टेडियम मिल रहे हैं और टोटल 40 स्टेडियम हम लोगों को WCC3 में मिले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि WCC3 में हम लोगों को कई प्रकार के गेम प्लेइंग मोड मिल गए हैं जो हमको बोर नहीं होने देंगे, यानी कि बदल बदल के हम गेम प्लेइंग मोड खेल सकते हैं और गेम में रोमांच बना रहेगा और खेलने में हमारा मन भी लगता रहेगा। खैर दोस्तों ये बात हुई WCC3 में मिलने वाले गेम प्लेइंग मोड्स की। अब बात करते हैं WCC3 में मिलने वाली टीम और टीम के क्रिकेटर करेक्टर की। हालांकि दोस्तों अभी हम लोगों को WCC3 का वेटा वर्जन प्राप्त हुआ है और इस वेटा वर्जन में एक ऐसा हम लोगों को कुछ मिला है जिसके बारे में कल रात को मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे कॉमेंट आए हैं। तो दरअसल जो कमेंट आ रहे हैं दोस्तों वो इस बात पर हैं कि नेक्स्ट वे मल्टीमीडिया में हम लोगों को इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के नाम अलग ही मिल रहे हैं, यानी कि जो पहले WCC2 में मिलते जुलते मिलते थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों ये फिलहाल WCC3 का वेटा वर्जन है और इसमें जो भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वे मल्टीमीडिया की टीम के नाम है और ये गेम उनको डेडिकेट करने के लिए ही उनके नाम हम लोगों को इंडियन क्रिकेट टीम में मिल रहे हैं और इस बात के होने के 100% चांस हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहें क्योंकि आने वाले समय में जून में हम लोगों को WCC3 के फुल वर्जन गेम में भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर से मिलते जुलते नाम देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए टीम में मिलने वाले क्रिकेटर करेक्टर की, तो क्रिकेटर करेक्टर काफी बढ़िया है और देखने में WCC2 से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा दोस्तों WCC3 में हम लोगों को सारी इंटरनेशनल टीमें मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों WCC3 में जितने भी T20 लीग्स टूर्नामेंट हम लोगों को मिलते हैं उनकी टीमें भी हम लोगों को WCC3 में मिल जाती हैं, लेकिन WCC2 की तरह WCC3 में भी हम लोगों को टीम्स के नाम और प्लेयर्स के नाम रियल नहीं मिले हैं, यानी कि उनसे मिलते जुलते नाम ही हम लोगों को WCC3 में मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए कॉमेंट्री की, तो कॉमेंट्री हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को लग रहा था कि रियल वॉइस दे रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोगों को कॉमेंट्री पैक परचेज करना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि WCC3 में हम लोगों को हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री बिल्कुल फ्री मिली है, वो भी रियल वॉइस में। हिंदी में हम लोगों को आकाश चोपड़ा की वॉइस मिल रही है तो इंग्लिश में हम लोगों को मैथ्यू एडन की वॉइस मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा एंगल की, तो WCC2 की तरह WCC3 में भी हम लोगों को मेनली दो तरह का कैमरा एंगल मिल जाता है, पहला है बॉलर एंड और दूसरा है बैटर एंड। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए कंट्रोल की, तो कंट्रोल में हम लोगों को काफ़ी नई प्रकार के कंट्रोल देखने को मिल रहे हैं, इस कारण आप लोगों को गेम कंट्रोल करने में थोड़े दिन तक परेशानी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने जैसा देख ही लिया होगा कि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि फुल वर्जन गेम में हम लोगों को क्लासिकल कंट्रोल मिलने वाला है, या
यानी कि वैसा ही कंट्रोल जैसा हम WCC2 में खेलते थे। इसके अलावा दोस्तों जो नया फीचर कंट्रोल में ऐड किया गया है वो है फील्डिंग मैनुअल कर दी गई है, यानी कि फील्डिंग के दौरान भी हम खुद का कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे थ्रो करने के लिए भी एक मीटर सा आ रहा है और उसमें यदि हम रेड साइन पर आ जाते हैं तो हमारा थ्रो ओवर थ्रो हो जाता है। और बात की जाए दोस्तों साउंड इफेक्ट की, तो दोस्तों WCC3 में एकदम बिल्कुल अलग तरह का हम लोगों को साउंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है जो काफ़ी शानदार है। इसके अलावा दोस्तों जो सेलिब्रेशन स्टाइल दिए गए हैं वो काफ़ी तरह से WCC2 से ही मिलते हैं, यानी कि ज़्यादा नए तरह के स्टाइल WCC3 में ऐड नहीं किए गए हैं। मेरे सामने तो अब तक कोई नई तरह का सेलिब्रेशन स्टाइल आया नहीं है, यदि आप लोगों के सामने आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। इसके अलावा दोस्तों ग्राफिक्स की बात की जाए तो फिलहाल इस समय हम लोगों को WCC3 में तीन तरह के ग्राफिक्स मिल रहे हैं, पहला है लो, दूसरा है मीडियम और तीसरा है हाई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब WCC3 का फुल वर्जन गेम आएगा तो उसमें हम लोगों को अल्ट्रा HD ग्राफिक्स भी मिलेंगे जो गेम की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों WCC3 के गेम प्ले की। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने गेम को खेल ही लिया होगा तो आप लोगों को भी पता होगा कि WCC3 का गेम प्ले बिल्कुल लिक्विड फ्लो है, बिल्कुल स्मूथ चलता है और लैग नाम की कोई भी चीज़ इसमें दिखाई नहीं देती, यानी कि रुकआउट नाम की चीज़ तो गेम में कभी आती ही नहीं है। ना ही ये गेम को ज़्यादा हैंग करता है क्योंकि इसका साइज़ भी एक लिमिटेड में ही रखा गया है, ना तो ये ज़्यादा बड़े साइज़ का है ना ही इसमें अब तक अल्ट्रा HD ग्राफिक्स हम लोगों को मिले हैं, तो इस कारण भी गेम का जो अभी तक गेम प्ले है वो काफ़ी स्मूथ है। हालांकि स्मूथनेस का पता तब चलेगा जब इसमें अल्ट्रा HD ग्राफिक्स आ जाएंगे, लेकिन टोटली मिलाकर कहें तो गेम काफ़ी जेन्युइन है, अब तक का बेस्ट मोबाइल क्रिकेट गेम है। इसके अलावा दोस्तों गेम प्ले के दौरान WCC3 में जो कैमरा एंगल दिखाए जाते हैं वो गेम में एकदम नई सी जान फूंक देते हैं और गेम को काफ़ी शानदार बना देते हैं। खासकर टॉस वाला सीन मेरे को सबसे बेस्ट लगा, इसके बाद जब टीमें खेलने के लिए मैदान में इंटर करती हैं वो भी मेरे को सबसे बेस्ट लगा। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेटर स्टैटिक्स भी हम लोगों को WCC3 में मिल जाता है, यानी कि हम देख सकते हैं कि किस प्लेयर ने कितने रन बनाए हैं, कितने सेंचुरी मारी हैं, कितने अर्धशतक मारे हैं और कितने विकेट लिए हैं। तो दोस्तों गेम को पूरा रिव्यू करने के बाद हम फाइनली कह सकते हैं कि WCC3 हमारी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरा है और फाइनली हम लोगों को एक ऐसा मोबाइल क्रिकेट गेम मिला है जिसको हम PC गेम से कंपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही, आप लोगों की WCC3 को लेकर क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। साथ ही आप लोगों ने यदि WCC3 को खेल लिया है तो आप लोगों का WCC3 को खेलते समय एक्सपीरियंस कैसा रहा वो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और साथ ही आप WCC3 में और क्या चीज़ें चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे जाकर लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।